नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जीवन का संपूर्ण आनंद ले रहे होंगे और आगे से आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। हमारी पूरी पूरी कोशिश होती है कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे विचारों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ अपने जीवन पथ पर आगे से आगे बढ़ते रहें। मित्रों, हमेशा से ही ये मानना रहा है सभी का, और जो सत्य भी है, कि जो बुद्धिमान है वही सतत आगे से आगे बढ़ते हैं, और जो थोड़े बुद्धिहीन हैं वो कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं। मेहनत मशक्कत तो करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो बुद्धिहीन हैं। लेकिन आज सुवाक्य में हम एक और परिभाषा लेकर के आए हैं मित्रों, जिस पर भी हम सबको गौर करने की आवश्यकता है कि बुद्धिमान क्या करते हैं और बुद्धिहीन क्या करते हैं। आप सभी बुद्धिमान निश्चित रूप से बुद्धिमानी पूर्वक अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, तो वही कर रहे होंगे जो आज का सुवाक्य हमें कह रहा है। आइए देखते हैं कि आज का सुवाक्य क्या है। उच्च विचार का अंकुरित फल है श्रेष्ठ कर्म और भाग्य। मन में उठे उच्च विचारों को जब सही तरीके से पोषित किया जाता है तो उसका फल अति सुंदर और मीठा होता है। इंसान का मन धरती के समान है और विचार उससे उत्पन्न हुई असंख्य संभावनाओं का बीज है। विचार रूपी बीज को जब हम एकाग्रता रूपी धूप और निरंतर प्रयास रूपी पानी से सींचते हैं तो वह विचार हमें मन चाहे परिणाम रूपी फल प्रदान करता है। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही कर्म करते हैं, और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है तथा हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। इसीलिए जितने महान विचार उतने ही श्रेष्ठ कर्म और भाग्य। सचमुच बुद्धिमता इसी में है, जो बुद्धिमता आप सब भी दिखाते हैं कि हम अपने आप को देखें। अपने ऊपर हंसने का भाव यही है कि हम अपने आप को देखें, अपने आप को तराशें, अपने आप को निखारें। कमियां कमजोरियां तो संसार में सब में हैं। यदि उन्हें ही हम देखते रहेंगे, उन पर ही हंसते रहेंगे, तो अपने आप को देखने का अवसर हमें नहीं मिलेगा, अपने आप को तराशने का अवसर हमें नहीं मिलेगा। ईश्वर ने छोटा सा जीवन हमें दिया है, क्यों ना स्वयं को देखें, स्वयं को बनाएं, स्वयं को सुंदर लक्ष्य की ओर ले चलें। और कई बार ऐसा होता है कि लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमारी तबीयत, हमारा स्वास्थ्य कई बार विघ्न का रूप बन जाता है, क्योंकि यदि हम अस्वस्थ हैं तो वो तीव्रता लक्ष्य की ओर बढ़ने में नहीं रह पाती। और यही कारण है कि हम चाहते हैं कि आप संपूर्ण तंदुरुस्त रहें, इसीलिए प्रतिदिन सेहत की सुंदर बात आपके लिए लेकर आते हैं। आइए देखते हैं कि आज इस पिटारे में आपके लिए क्या है। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, सारे विश्व में पैनक्रियाटिक कैंसर बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष हम 21 नवंबर को वर्ल्ड पैनक्रियाटिक कैंसर डे मनाते हैं। दोस्तों, ये दिन प्रतिदिन जो हमारा लाइफस्टाइल, जो मॉडर्न डे लाइफस्टाइल है, ये एक मुख्य कारण है ये पैनक्रियाटिक कैंसर बढ़ने का। आज जो स्मोकिंग का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, आज जो अल्कोहल कंजम्पशन का एक फैशन बनता जा रहा है, फास्ट एंड जंक फूड खाने का, नॉन वेजिटेरियन स्पेशली रेड मीट खाने का, ये जो फैशन एक फैशन बन गया है, लोगों को पैक्ड फूड्स आते हैं, टिंड फूड्स आते हैं जिनमें सोडियम ज़्यादा होता है, ऐसे फूड्स खाने से हमें कैंसर की प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है। हमें लोगों में अवेयरनेस लानी है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि अगर हम सही मायने में समय पर कैंसर को, पैनक्रियाटिक कैंसर को पहचान लें तो इसका इलाज संभव है। किंतु अगर इसका इलाज डायग्नोसिस से डिले हो जाता है तो फिर इलाज मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, तो हमें इसके लिए हेल्दी लाइफ, सबसे बड़ी बात तो है जीन्स तो रिस्पॉन्सिबल है,
जीन्स को तो हम कुछ नहीं कर सकते, हालांकि जीन्स को भी मेडिटेशन के द्वारा उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, पॉजिटिव आउटलुक्स अपने लाइफ के प्रति अपनाएं। मैंने देखा है पिछले 27 साल में जो हार्ट की रिसर्च करते हुए, जब हम मेडिटेशन राजयोग मेडिटेशन करते हैं तो हमारे अंदर एक विल टू बी वेल आती है, जिससे हम हेल्दी डाइट, रेगुलर हेल्दी एक्सरसाइज, अपना वेट मैनेजमेंट, एक बहुत बड़ा कारण ओबेसिटी भी है कैंसर का, पैनक्रेटिक कैंसर का, वेट अपना मैनेज करें, प्रॉपर वेट रखें, सही समय पर सो जाएं, समय पर उठ जाएं, अल्कोहल और उसको अवॉइड करें, सिगरेट्स को, टबैको किसी रूप में हमें अवॉइड करें, और हम ज़्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स और सैलड्स और फ्रूट्स खाएं, इसमें खूब सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भरे हुए हैं, तो दोस्तों फिर हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और जिनको अपनी स्क्रीनिंग कराएं समय पर, जिनको रिस्क है कैंसर का, स्क्रीनिंग कराएं और इसका सही समय पर निदान हो जाने से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। यही इस दिन का मैसेज हम अपने सभी आसपास पड़ोस में, अपने शहर में, गांव में फैलाएं। ओम शांति। मित्रों, यूं तो संसार में करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, जो हमारे लिए प्रेरक हैं, आदर्श हैं। और यदि आप उनके जीवन को देखें तो वो जीवन की परिस्थितियों से घबराते नहीं, पीछे नहीं हटते, लेकिन एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, हिम्मत और ऊर्जा के साथ, साहस और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं, परिस्थितियों को जीतकर एक मिसाल कायम करते हैं। और इसीलिए हम उन्हें सुनना चाहते हैं, उनके अनुभवों को सुनना चाहते हैं कि यदि जीवन में ऐसी बात, ऐसी घटना हमारे साथ भी हो तो हम क्या करें। इसीलिए विशिष्ट जन की बातें विशेष में हम ऐसे ही महानुभावों को आमंत्रित करते हैं जिनके अनुभव हमें प्रेरित करें, मार्गदर्शन करें और हमें भी आगे बढ़ाएं। आइए देखते हैं कि आज इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन है। When you talk about challenges, everybody has a different way of looking at those challenges. Of course, you answered one of the things very beautifully, that it is just karmic accounts in life, and if you accept it, that this is karma and we just have to go ahead, you easily move on with life. How do you really face the challenges that you see in your life? Because many people today who are watching your program as well now might think, we also have challenges in life. How do we overcome them? The main thing is our intention. And our intention, whatever work we do, God alone knows. I might just see a face, you might see, maybe we might go on the face value. But the intention is known by God. And it is He who gives the result. So you do with pure and good intention, it will definitely happen. Wow, so beautifully said. Our pure and good intentions are the ones that really matter. And that is what really makes our life what it is today. Cricket, as you now see, is also something which is very big. It is huge in India, not only just in India. It's a religion in India. I'm pretty sure that also involves a lot of stressful and challenging situations around, because there are a lot of expectations, there are a lot of demands that come to you. How do you see these things and how do you stay afloat in all of these things? That's what I said. Consciously, if you do things what you think is right, nothing will happen. You will overcome the obstacles very easily. But knowingly, if you do, then you have to face the music. So that's the karma, laws of karma. When there are a lot of young children who are watching you and they would connect with you saying that, oh, he's into cricketing administration, they would want to aspire to become cricketers and they would want to take up the sport as a passion. What would you say to them? What is my feeling is, a child is good in not one thing, he is good in 10 things. But he has to devote time equally for all the things. So I feel every child can take on sport also and be good in studies also. And he should not neglect his studies. See, your career is in studies. Suppose if you are a good cricketer, you will become, but everybody cannot become cricketers tomorrow. Everybody cannot play for India. If you don't play for India, at least you will get a good job because of your qualification. My request to all the children is, do not neglect your studies, and it can go, cricket or sport and studies can go hand in glove, and it should go together. Very well spoken, spoken like a cricketer, you said hand in glove.
मित्रों, हमारे विशिष्ट जन VIP हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट, जिन्हें सभी देखना सुनना चाहते हैं। ब्रह्मा कुमारी इस VIP को इस रूप में परिभाषित करते हैं कि यदि आपको VIP बनना है तो आप VIP अर्थात वैल्यूज इन पर्सनालिटी, अपनी पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में वैल्यूज को शामिल करते चलें, क्योंकि VIP केवल वो नहीं है जो ओहदे में बड़े हैं, अपने अपने क्षेत्र में बड़े हैं, वो तो हैं ही जो हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन यदि आप सामान्य हैं, यदि आप किसी भी गांव में हैं, तहसील में हैं या किसी छोटे से कार्य को भी कर रहे हैं, तब भी यदि आप ये VIP अर्थात वैल्यूज इन पर्सनालिटी इसे शामिल करते हैं, मूल्यों को अपने व्यक्तित्व में शामिल करते चलते हैं, तो आप भी सबके लिए VIP बन जाएंगे। नमस्कार, सादर प्रणाम सभी को, ओम शांति। बहनों और भाइयों, जरा ये भी सुनो सेगमेंट में एक बार फिर हाजिर हूं मैं, प्रोफेसर राजीव शर्मा, आपके चिंतन की अदालत में उदाहरणों की दलील लेकर। दो कुम्हार मित्र थे, परम मित्र थे, दोनों घड़े बनाते थे, बाजार में बेचते थे। दोनों के पास एक एक गधा था। गधे से वो जंगल जाते थे, खदानों के पास जाते थे, मिट्टी ढोकर लाते थे और अपना घड़े बेचने का रोजगार किया करते थे। एक बार एक मित्र का गधा खो गया तो मित्र अपने उस दूसरे मित्र के पास गया जिसके पास गधा था, और जाकर पहले मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि भाई मेरा गधा तो कहीं चले गया है, तुम्हारा गधा मुझे दे दो ताकि मैं अपना काम कर सकूं। दूसरे मित्र की नीयत अपने मित्र को गधा देने की नहीं थी, तो मित्र ने झूठ बोल दिया कि भाई मेरा गधा तो चरने के लिए जंगल में गया हुआ है और घर में गधा है ही नहीं। ये बात मित्र बता ही रहा था कि अचानक घर के पीछे से गधे की रेंकने की आवाज़ ढेंचू 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 करके आई। तो पहले मित्र ने कहा कि गधा तो अंदर है यार। तो दूसरा मित्र बोला कि तू कैसा दोस्त है यार, गधे की बात पर विश्वास कर रहा है और मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये है देवियों और सज्जनों की लौकिक मित्र जो होते हैं वो झूठ भी बोल सकते हैं, वो दगा भी दे सकते हैं। जिंदगी की उदास राहों में बारहा ऐसे दोस्त भी मिलते हैं जो दम तो भरते हैं दोस्ती का मगर आस्तीनों में सांप होते हैं। सबसे बढ़िया मित्र होता है आपका अपना चरित्र, सबसे बढ़िया मित्र होता है आपका अपना सद्गुणों का भंडार। हमारी यूनिवर्सिटी जो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है और जिसे हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, ये आपको मित्रता का तोहफा देती है, मगर वो मित्रता का तोहफा लौकिक नहीं होता, दैहिक नहीं होता, सद्गुणों का होता है, प्रेम का होता है, दया का होता है, सहानुभूति का होता है, सेवा का होता है। ओम शांति। तो मित्रों, जहाँ से मैंने प्रारंभ की थी पुनः उसे अंडरलाइन कराते हुए जाना चाहूँगा ताकि इस पर हम ज़रूर विचार करें। कहते हैं बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और जो मूर्ख हैं वो बहस करते हैं। तो यदि कोई बहस बहुत ज़्यादा कर रहा हो बिना किसी बात के या बिना किसी एक अच्छे उद्देश्य के, हमें वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लेना चाहिए या चुप हो जाना चाहिए। अपनी बात चंद शब्दों में कह करके मौन हो जाना इसी में बुद्धिमत्ता है, क्योंकि यदि हम व्यर्थ के बहस में उलझते हैं तो अपने समय को, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यदि हम सामने वाले की बात का जवाब नहीं देंगे तो वो चढ़ता ही चला जाएगा। वास्तव में ऐसा नहीं है। एक तरफ से यदि व्यक्ति बोला जा रहा है जिसमें कोई तुक नहीं है, तब मौन रह करके देखिए, आप पाएंगे कि सामने वाला थोड़ी देर अपनी बात कहने के बाद खुद ब खुद चुप हो जाएगा और आप भी अपनी ऊर्जा को,
अपने श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बचाए रह पाएंगे। तो यही तो बुद्धिमता है। और आप सभी सामने जो सब रंग देखते हुए बैठे हुए हैं दर्शक, बहुत बहुत बुद्धिमान हैं। आपको ही अपने भविष्य को, राष्ट्र के भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो आगे से आगे बढ़ें, बुद्धिमता पूर्वक अपने जीवन के सही निर्णय करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।